इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का 79वां मैच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जहां पर फैंस को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिला। मुंबई इंडियंस की टीम ने काफ़ी समय बाद इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला कर चेन्नई सुपर किंग की टीम को महज 16 ओवर में 97 रन के स्कोर पर समेट दिया। वहीं जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने 4 विकेट महज 33 रन के स्कोर पर खो दिए थे, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन ने 48 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। वहीं तिलक वर्मा ने टिम डेविड के साथ मिलकर सीएसके का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना भी तोड़ दिया और अपनी टीम को 14.5 ओवर्स में 5 विकेट से जीत दिला दी। इस मुकाबले में मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने अच्छी पारी खेली, उन्होंने नाबाद 34 रन बनाए। तिलक इससे पहले भी अच्छी पारियां खेल चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने इस वजह से तिलक की तारीफ की। रोहित ने चेन्नई पर मिली जीत को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शुरू में जल्दी विकेट गिरने से थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन उन्हें जीत का भरोसा था। शुरुआती विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा ने संभल कर खेलते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया। रोहित ने कहा, तिलक ने पहले ही साल में कमाल का प्रदर्शन दिया है, उसका जज्बा लाजवाब है। आपको बता दें, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, जब शुरुआत में हमारे विकेट गिरे तो हम थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन भरोसा था कि मैच हम जीतेंगे। वानखेड़े की पिच को हम जानते हैं। गौरतलब है कि तिलक का ये पहला आईपीएल सीजन है और उन्होंने डेब्यू सीजन में ही अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। तिलक ने अब तक खेले गए 12 मैचों में 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। तिलक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है। उन्होंने मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।